नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी किया है कि ओमान में 173 नए कोविड मरीज सामने आए हैं, 8 लोगों की दुखद मृत्यु। यह सल्तनत में टोटल दर्ज मामलों की संख्या 3,581 हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा 4,007 को क्रॉस कर गया है। पिछले 24 घंटे में ओमान में 24 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी और ओमान में इस समय 239 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। रिकवरी रेट 96.1% की दर्ज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, यानी 288,922 लोग पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं कोविड महामारी से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि ओमान के आईसीयू में अब तक पिछले 5 महीनों से सबसे कम मरीज इस समय एडमिट है। केवल 98 लोग आईसीयू में इलाज करा रहे हैं। पिछले 5 महीनों का सबसे न्यूनतम आंकड़ा यह दर्ज किया गया है और इसके पीछे का जो कारण है कि क्यों जो कोविड संक्रमण कम हो रही है, तो जो वैक्सीनेशन का लक्ष्य सरकार उसको तेजी से अचीव कर रही है। ओमान में जो नियम है, जो कायदे कानून बनाए जा रहे हैं, उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि ओमान में जो मरने वाले रोगियों की संख्या ज़्यादातर उन रोगियों की है जिनका पहले से किसी पुरानी बीमारी का रिकॉर्ड हो, जिनको मधुमेह हो, जिनको ब्लड प्रेशर हो, जिनको कोई किडनी से प्रॉब्लम हो, जिनको पहले से कोई परेशानी है, उन लोगों की ही मृत्यु दर ज़्यादा रह रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि प्रवासियों को वैक्सीनेशन के लक्ष्य में हमने शामिल करके धीरे धीरे इनके वैक्सीनेशन का चरण हम स्टार्ट कर रहे हैं अलग अलग राज्यपालों में, जिसकी शुरुआत मसीरा से हो गई है। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि बुधवार को दक्षिण अल्बतीना राज्यपाल से जो प्रवासियों के वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण है वो स्टार्ट कर दिया गया है। बुधवार से इस राज्यपाल में रहने वाले सभी प्रवासियों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया गया है। दक्षिण अल्बतीना गवर्नमेंट के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने बताया है कि इस राज्यपाल में जो प्रवासी नाई की दुकानों में, सैलून्स में, ब्यूटी पार्लर्स में, पोल्ट्री की दुकानों में, या फिर मांस से संबंधित जो दुकानें हैं, या फिर जो लोग फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, या फिर जो घरेलू कामगार हैं, उनको हम वैक्सीन की पहली खुराक देने के लिए सबसे पहले आमंत्रित करते हैं। इन लोगों को अपने साथ वैलिड रेजिडेंस कार्ड लेकर के हमारे इस राज्यपाल में संचालित होने वाले जितने भी वैक्सीनेशन केंद्र हैं वहाँ पर आप आकर के वैक्सीन लगवा सकते हैं। ओमान के मौसम विज्ञान केंद्र ने अपडेट दिया है कि डोफार के आसपास के इलाकों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, बाकी जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पे आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा ओमान में ज्यादातर जगहों पे मौसम साफ रहने का अनुमान लगाया गया है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 35,178 नए कोविड मामले सामने आए हैं, 440 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। भारत में जो रिकवरी रेट है 97.1% से अधिक दर्ज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा और भारतीय लोगों के वैक्सीनेशन में भी काफ़ी तेजी देखने को मिल रही है। ओमान में बिजली कंपनियों ने मनमाने तरीके से ग्राहकों को बिजली बिल जनरेट करके ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बिल भेजा था, जिसकी शिकायत CPA में ग्राहकों ने की और इसका सीधा सीधा जो असर देखने को मिल रहा है कि ओमान की बिजली कंपनियों के ऊपर सरकार ने अपना शिकंजा कस दिया है। मस्कट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने जून के महीने में जारी किए गए सभी बिलों को कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया है। इस महीने के जो बिजली बिल हैं उसको फिर से काउंटिंग किया जाएगा, फिर से रीडिंग ली जाएगी। टूरिज्म मिनिस्ट्री ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि ओमान में जब से विदेशी लोगों के एंट्री के ऊपर जो संस्थागत क्वारंटीन को अनिवार्य कर दिया गया था, होटलों का डिमांड बढ़ गया था और इसका फायदा जो बहुत सारे जो गैर कानूनी तरीके से लोग उठा रहे हैं, जो इसके मालिक हैं वो अपार्टमेंट चला रहे हैं, गेस्ट हाउस चला रहे हैं, विला चला रहे हैं बिना लाइसेंस के। तो टूरिज्म मिनिस्ट्री ने बताया है कि आप यदि इस तरह का कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो करने से पहले आपको पूरी तरीके से इससे लाइसेंस लेना होगा, तभी आप इस तरह के जो टूरिज्म व्यवसाय को ऑपरेट कर सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति इसमें गड़बड़ी करता हुआ पाया जाएगा, बिना लाइसेंस के आप इन गतिविधियों को चलाते हुए पाए जाएंगे, तो आपके ऊपर टूरिज्म मिनिस्ट्री कड़ी कार्रवाई करेगा। तटरक्षक पुलिस कमांड ने एक अपडेट दिया है कि 2021 के प्रथम छमाही में हमारे पास सबसे ज्यादा जो कंप्लेन आई है, रिक्वेस्ट आई है, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है पानी में डूबने के कारण, वो चाहे समुद्र तट पर तैर रहे हों, वादियों में तैर रहे हों, या फिर स्विमिंग पूल में। खास करके बच्चों की संख्या, जो मरने वाले बच्चों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि देखी गई है और इसके पीछे जो मेन कारण है वो लापरवाही। आप यदि स्विमिंग के लिए जा रहे हैं तो पूरी तरह से सुरक्षित होकर के जाइए, यदि आपको तैरना नहीं आता है तो बिना आप ट्रेनिंग लिए गहरे पानी में मत जाइए। आपके साथ फैमिली है, फ्रेंड्स है, बच्चे हैं, तो उन पर ध्यान रखिए ताकि इन तरह की इस सब घटनाओं से बचा जा सके।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने एक अपडेट दिया है कि ओमान में आने वाले जिन देशों को सुप्रीम कमेटी ने यात्रा प्रतिबंध में डाला है, जिसमें सूडान, ब्राजील, नाइजीरिया, तंजानिया, सियरा लियोन, इथोपिया, भारत, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम जैसे देश इसमें शामिल हैं। ओमानी सरकार ने हालांकि कुछ नागरिकों को इस प्रतिबंध से छूट दिया है, जिसमें जो डिप्लोमेट्स हैं, जो राजनयिक हैं, या फिर स्वास्थ्यकर्मी हैं, या फिर उनके परिवार हैं, या फिर स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, या फिर टीचर्स की जो फैमिली है या टीचर्स हैं, उनको इससे छूट दिया गया है। हालांकि इन सभी कैटेगरी को इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन की अनिवार्यता से भी छूट दिया गया, यानी आप इन सभी किसी कैटेगरी के हैं और आप ओमान जा रहे हैं तो आपको होटल में क्वारंटीन रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि जो ट्रेकिंग ब्रेसलेट है आपको पहनना होगा, लेकिन आप घर में 7 दिनों तक क्वारंटीन रहेंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने 3 कोविड टेस्टों का भी प्रावधान किया है कि एक टेस्ट पीसीआर टेस्ट, आप जिस देश से आ रहे हैं वहाँ से आप पीसीआर टेस्ट करवा के आइए। जब आप ओमान पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट पे भी टेस्ट होगा, उसके 8वें दिन बाद जब आप क्वारंटीन कंप्लीट कर लेंगे तो फिर एक टेस्ट होगा। कुल मिलाकर के पीसीआर टेस्ट का खर्च भी बहुत ज़्यादा प्रवासियों के ऊपर पड़ रहा है, जिससे जो ट्रेवल की कॉस्ट है वो बढ़ जा रही है। इस क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन ओमान और यूएई मिल करके कर रहे हैं, क्योंकि भारत में कोविड-19 के केस बढ़ने के कारण भारत से ये आयोजन इन दोनों देशों में शिफ्ट कर दिया गया और ओमान की टीम सबसे पहला वर्ल्ड कप का मैच खेलेगी पापुआ न्यूगिनिया के साथ, जो कि 17 अक्टूबर को ओमान में आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।